हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम है किक से लेके। देखो, किक मारते हैं, किक नीचे चली जाती, इंजन नहीं घूमता है, तो ये प्रॉब्लम है। बाइक किक से स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि किक बिल्कुल स्लिप हो चुकी है। किक मारते हैं, किक नीचे चली जाती है, चली जाती वो तो छोड़ो, इंजन घूमता ही नहीं है। तो इसकी जो किक है, खोलते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, बाइक में किक क्यों नहीं लग रही है, ये चीज़ चेक कर लेते हैं। शाफ्ट खराब हो गई है या किक खराब हो गई है, ये चीज़ खोलते हैं और चेक करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, अगर शाफ्ट खराब होगी तो फिर इसकी किक शाफ्ट नहीं डालनी पड़ जाएगी। अगर किक खराब होगी तो सिर्फ किक का जो किक आर्म है वो चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। पहले इसका बोल्ट खोलते हैं। 10 नंबर का रिंच आप आना ले लेना है और किक में जो बोल्ट लगा होता है इसे पहले खोल लेना। अगर आप लोगों की बाइक में ऐसी कोई समस्या है, तो जैसे कि किक मारते हैं, किक काम ही नहीं कर रही है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, ऐसी समस्या है, तो एक बार जो है आप लोग इसे खोल के ज़रूर चेक कर लेना क्या ख़राब हुआ है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, किक शाफ्ट खराब होगी तो वो भी पता चल जाएगा, किक खराब होगी वो भी पता चल जाएगा। तो पहले मैं इसका बोल्ट खोल लेता हूँ, पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। ये बोल्ट भी कट गए, देखो बोल्ट कट गए और बोल्ट बहुत लंबा पड़ा था। अब इसकी किक नहीं निकलेगी, मुझे पता था इसकी किक नहीं निकलेगी। पता क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि इसमें से एक कोई तो चीज़ कट गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, कट गई है, तो खाँचा जो है वो मिल नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत करेगी, निकल जाएगी बट थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। देखो, स्क्रू ड्राइवर से मैं कर रहा हूँ, फिर भी जो है ये किक बाहर नहीं आ रही है। देखो ये पूरी, अब मुझे इतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना कि क्लच कवर पे असर पड़ जाए, है ना। तो अब जो है देखो नहीं निकल रहा है, अभी भी नहीं निकल रही है। देखो तो ये, अब इसको एक बार और ट्राई करता हूँ, फिर दूसरा जो तरीका है वो आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये तरीके से देख लेते हैं निकल रही या नहीं निकल रही। नहीं निकल रही तो अब जो यहाँ पे कट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले यहाँ से एक बार करके देख लेते हैं, नहीं निकल रही। ये जो कट है, ये कट को बढ़ा लेते हैं कि फिर आराम से ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखना, ये यही कट पे, और बस इसको पंच कर देना स्क्रू ड्राइवर को, ये फैल जाएगा। देखो फैल गया, अब किक निकालते हैं बाहर, अब निकल जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, निकल गई ये किक, निकल गई। अभी ये किक की जो है, चलो इसे रखते हैं, पहले शाफ्ट वाली जो मेन है वो चेक कर लेते हैं ना, पहले शाफ्ट वाली देख लेते हैं। शाफ्ट तो ख़राब नहीं है, वो चीज़ देख लेते हैं पहले। इसको कपड़े से क्लीन करते हैं और फिर शाफ्ट देखते हैं पहले। चलो, और मैं थोड़ा सा क्लीन करके बिल्कुल पास से दिखाता हूँ फिर आप लोगों को, इसके जो दाँते हैं वो है या नहीं। अब चेक करो आप लोग, देखो इसके प्रॉपर दाँता बिल्कुल सही हैं, इसकी शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है किक वाली आर्म में प्रॉब्लम है, या तो ये किक नहीं डाल दो और अलग से किक आर्म मिल जाता है, जिसको किक गुटका भी हम लोग बोलते हैं, किक आर्म भी बोलते हैं, किक गुटका भी बोलते हैं। तो एक किक जो आर्म है ये मिल जाता है अलग से। अगर किक आप लोग ना चेंज करना चाहो, जैसे कि किक महंगी पड़ जाएगी और आर्म जो है वो सस्ता पड़ जाएगा, तो सिर्फ ये आर्म हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ख़राब तो यही है, इसी के दाँता पूरे घस गए हैं, इसमें दाँता है ही नहीं। देखो पूरे दाँता बाहर साइड के पूरे ख़त्म ही हो गए, बिल्कुल प्लेन हो गए ये। अब इसे करते हैं चेंज, इसे नया लेके आते हैं, फिटिंग करते हैं। ये बिल्कुल ख़राब है, ये बिल्कुल सही है साफ्ट, तो इसको चेंज करते हैं। नई किक अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो नई किक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी अलग से मिल जाता है। तो ये रहा मेरे पास, ये देखो किक बॉस स्प्लेंडर का है, और इसकी जो प्राइस वो आप लोग देख लो, और मैं इसे फाड़ता हूँ और फिटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को बता देते हैं। इसे पहले फाड़ लेता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं, किक लेने जाऊँगा तो मेरे ख्याल से, अब कमेंट्स करना आप लोग तो बताऊँगा किक कितने की आती है इसकी। अभी फ़िलहाल तो हम इसी को डाल के, बढ़िया काम है, लगा दो बहुत दिन तक चल जाता है। और अगर ओरिजिनल गुटका, अब जो मैं आर में बता रहा हूँ, ओरिजिनल डालना है तो वो भी मिल जाएगा, अवेलेबल हमारे पास है। लेकिन जो कस्टमर कह रहे हैं कि ये वाला डालो, तो हम वही वाला डाल रहे हैं। मैंने कस्टमर को दोनों बताया था,
ये वाला भी बताया था और जो ओरिजिनल था उसको भी बताया था, तो बट भैया ने कहा यही वाला डाल दो, तो इसी वजह से हम जो है यही वाला डाल रहे हैं। ये भी बढ़िया आता है, अच्छी कंपनी का आता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिटिंग आप लोग देख लो कैसे करना है, पहले डालना है स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर डालना है बॉल, बॉल को ऊपर से बिठाना है किक गुट का। अब इसका होल मैच कराना है, देखो इसका होल मैच करा के पिन अंदर डालना है। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन पिन बैठ जाएगी, थोड़ा सा नहीं बैठ रही, इसमें इसको उधर डाल के थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, बैठ जाएगी। ये देखो इसे थोड़ा सा खींच देता हूँ, अभी सेंटर मिल गया इसका, बैठ गया। थोड़ा सा मैं इसे प्रेस करके मार के देखता हूँ, इधर नहीं जा रहा था, इधर थोड़ा सा है। चलो दबा के रखेंगे और इसको ज़मीन पर रख के मार देंगे, बैठ गया, बैठ गया। अब इसमें वाशर ये और इसका नया लॉक भी मिल जाता है, इसे भी लॉक कर देते हैं, प्लस से लॉक कर देना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट किक। अब किक इसकी लगेगी, जो किक फेल बता रही थी अब किक लगेगी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो वीडियो को। अभी इसका जो बोल्ट है, बोल्ट मैं खोल लेता हूँ पूरा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग भी सीख सको। खोलते हैं इस बोल्ट को, पूरा खोल लेना है, जो 10 नंबर का बोल्ट है इसको पूरा खोल लेना है। ये अच्छी कंपनी का मैं डाला हूँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लोकली डाल दिया हूँ, बढ़िया कंपनी का इसका बोल्ट देखो, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा काम हो जाएगा। इसकी किक का इस आप लोगों को रखना कितने पर वो चीज़ देख लेना, किक कितने पर रखना है, ऊपर नीचे कर लेना है, उसके बाद बैठा के ये बोल्ट को टाइट कर देना। इस ये बोल्ट को फुल टाइट करने से, जब आप लोग इसे टाइट करना, भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको टाइट कैसे करना है। पहले तो मैं इसे रिंच से जितना टाइट होता है उतना कर लेता हूँ। अभी मैंने बोल्ट को फुल टाइट नहीं किया, अभी इस पर थोड़ा सा मैं चोट मारूंगा जो किक थोड़ा सा और अंदर जाए। देखो जा रही है, चली गई। अब इस बोल्ट को फुल टाइट कर दूंगा मैं 10 नंबर के पाने से, फुल टाइट कर देना बिल्कुल। तो ये हो गया कंप्लीट। अब मारते हैं किक और चेक करते हैं, क्योंकि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, पहले किक ही नहीं लग रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसकी जो किक है प्रॉपर लग रही है, देखो हो गया काम 100 रुपीज में कंप्लीट। बाइक स्टार्ट भी होगी, देखो स्टार्ट हो गई, बाइक स्टार्ट भी हो गई। चलो बाइक को बंद करते हैं और ये वीडियो करते हैं एंड। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है किक में प्रॉब्लम, तो आप लोग खुद ठीक कर सकते हैं, मिल जाएगी मार्केट में आप लोगों को किक आर में। ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।